देखो कैसे एक दूर में एक घर दिखाई दे रहा है, एक लोग खड़े एंड मतलब इस पे मैं आप लोग को एक बार सीधा दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हो गाइस, इधर का जो है गाइस पानी एकदम पूरा अपर साइड चला चुका है, ठीक है। वेलकम बैक टू दिस एपिसोड। सो आज का जो व्लॉग होने वाला है वो गाइस आप लोगों को पता है आसाम में बहुत ज्यादा बाढ़ आया एंड उसके लिए गाइस आप हम लोग उस साइड विजिट करने वाले हैं। एंड आपको पता है गाइस मतलब आसाम ना गाइस बहुत ज्यादा बाढ़ों से मतलब गुजर रहा है गाइस, ठीक है। सो आज वही आप लोगों को दिखाने वाले कि कैसा सिचुएशन है। तो हम लोग अभी रास्ते पे एंड घर जाएंगे, घर जाकर ड्रेस वगैरह चेंज करेंगे, चेंज करके हम लोग जाएंगे उधर देखने के लिए। सो आप लोग भी व्लॉग पे बेटर आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि आसाम का अभी जो सिचुएशन है वो कैसे है। सो बहुत ज्यादा बाढ़ है, ठीक है, बहुत ज्यादा नॉन स्टॉप बारिश होता जा रहा है। सो चलते गाइस हम लोग एंड आगे आप लोगों को दिखाते हैं। खतरनाक वाला रोड है गाइस, वाह गाइस, रास्ते पे इन लोगों ने घर बना दिया। सो गाइस अभी जो है हम है इधर सिलीगुड़ी बस्ती के आसपास एंड इधर का गाइस आप लोगों को मैं नजारा दिखाता हूँ एंड इधर से लेके पूरा उधर तक गाइस, ठीक है, एकदम एंड पीछे भी तो बहुत सारा पानी है एंड इधर मतलब बांध पानियों से लोग कितना ज्यादा परेशान है वो आप लोगों को मैं मतलब बोल के बता नहीं सकता। वो देखो गाइस एक दूर पे एक घर दिखाई दे रहा है, एक लोग खड़े एंड मतलब इस पे मैं आप लोगों को एक बार सीधा दिखाता हूँ। ये देख सकते हो गाइस इधर का जो है गाइस पानी एकदम पूरा अपर साइड चला चुका है, ठीक है, घर का अंदर घर लगभग आधा घर को डुबा दिया पानी ने गाइस, ठीक है। एंड लोग कितना ज़्यादा गाइस इधर मतलब कैसे कैसे रह रहा है गाइस, ठीक है, बहुत ज़्यादा तकलीफ पे है लोग। एंड आप लोग भी हेल्प करना चाहते हो तो आप लोग इन लोगों को रिलीफ दे सकते हो आके। एंड इधर का एक बार मैं पानी दिखाता हूँ। सो गाइस आसाम में जितना भी बांध पानी हुआ वो एरिया है गाइस जिस जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड है एंड उससे भी ज्यादा इफेक्टेड एरियाज है, बट गाइस उसमें हम लोग जा नहीं सकते एंड इसमें जो हम लोग आप लोगों को खोल के दिखा सकते हैं, लेकिन गाइस उन गांव में हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि उन लोगों को लगता है कि मतलब हम लोग इधर शो ऑफ करना है। बट इधर देख सकते हो गाइस पूरा का पूरा गाँव एकदम पूरा पानी के नीचे जा चुका है। गाइस इधर का जो पानी है ना गाइस बहुत ज़्यादा गंदा है एंड फ्लड के बाद गाइस लोगों को रिकवर करने के लिए ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एंड ये सब पानी में देखो जैसे कि खड़ा हुआ है ना ये सब पानी में तो उसको ना इन्फेक्शन होने का चांस होता है, जैसे कि मैं भी गाइस खड़ा हूँ तो इधर गाइस इन्फेक्शन होने का भी बहुत ज़्यादा चांस रहता है क्योंकि गाइस इधर का पानी गाइस बहुत ज़्यादा गंदा होता है। एंड इधर जो लोग अभी सर्वाइव कर रहे हैं ना उन लोगों के लिए मतलब अभी तो गाइस फ्लड आया एंड फ्लड जब खत्म हो जाएगा उसके बाद बहुत सारा लोग इधर गाइस बीमार हो जाते हैं, ठीक है। एंड तुझे कैसा लग रहा है इधर आके, कैसा लग रहा है? हेलो गाइस लड़की देख रहा है, ठीक है, बहुत बुरा लग रहा है बोल रहे गाइस मुस्कुराते हुए गाइस, ए गाइस कोलगेट हंसी, ए ए भाई 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 व्हाट इज दिस। एंड सामने देख रहे हो लोग मछली वगैरह पकड़ रहे हैं एंड भाई कर भाई इस पानी से निकल भाई इससे निकल देखिए खेत वहां से नहीं। इधर का एकदम पूरा सीन आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से, वो देखो वैसे एक बंदा इधर खड़ा है हाय। एंड इधर का मतलब इधर इतना ज़्यादा इफेक्टेड नहीं लेकिन पीछे गाइस बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रहा। चलो हम लोग चलते गाइस दूसरे प्लेस पे। तो गाइस आसाम में ना मतलब फ्लड आने का सबसे बड़ा रीज़न है गाइस कि मतलब जो रिवर्स होते हैं ना गाइस रिवर्स का वो मतलब गेट्स होते हैं, जब मतलब पानी ओवरलोडेड हो जाता है तब रिवर्स का गेट्स वगैरह ना खोल देते हैं, तो दैट्स व्हाई गाइस इन इलाकों में मतलब बहुत ज़्यादा अभी गाइस फ्लड आया गाइस, ठीक है।
एंड मतलब आई डोंट नो गाइस कितना दिन रहेगा, बट दुआ करूंगा कि गाइस जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। एंड गाइस मतलब इन हालातों में ना गाइस लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। एंड मतलब पानी में इस मतलब जितना भी पानी आप लोगों ने देखा इस मतलब सब गाइस गंदा पानी है गाइस, ठीक है, अच्छे पानी नहीं है गाइस। एंड मतलब फ्लड में तो आपको पता है गाइस पानी के साथ साथ बहुत ज़्यादा बीमारी आता है गाइस। फ्लड मतलब एकदम पूरा ख़त्म हो जाता है, देन उसके बाद आता है मेन पीरियड, जब गाइस मतलब फ्लड ख़त्म हो जाने के बाद बहुत ज़्यादा बीमारी होता है लोगों को। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस दूसरे प्लेस पर जिधर गाइस बहुत ज़्यादा फ्लड इफेक्ट हुआ है। एंड गाइस मैं अभी जिस साइड से आया उस साइड से भी इधर गाइस बहुत ज़्यादा फ्लड इफेक्ट हुआ है। बट गाइस इधर एक चीज़ है कि मतलब इधर अंदर जगह हम लोग व्लॉगिंग नहीं कर सकते। एंड लाइक आप लोगों को इसलिए गाइस बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि बाहर से लोग ऐसे मतलब इधर से तो गाइस गाड़ियाँ लेके जा रहा था भाई, मतलब डेंजरस सिचुएशन, गाड़ी लेके जा रहा था फ्लड देखने के लिए। सो गाइस वो देख के मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, मतलब घूमने के लिए गाइस एंड गाइस मतलब भाड़े पे लेके गाड़ी लोग मतलब फ्लड देखने के लिए जा रहे हैं, वो गाइस बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। एंड आप लोगों को हो सके तो आप लोग जाके रिलीफ दो एंड जितना हो सके आप लोग हेल्प करने का ट्राई करो। बट जिन लोग इतना ज़्यादा मुसीबत में है ना उन लोगों को देख के आप लोग मज़ा मत लिया करो, एंटरटेन करने के लिए वो लोग इधर नहीं है, वो लोग मतलब परेशानियों से गुजर रहे इसके लिए मतलब इधर है, ठीक है। सो उन लोगों को देख के आप लोग खुद को एंटरटेन मत करो, क्योंकि गाइस मतलब जो इस हालत में उसको ही पता चलेगा। सो अभी हम लोग जिस लोकेशन पे जाने वाले हैं वो गाइस आप लोग देख सकते हैं, इधर थोड़ा सा ही सामने है एंड इधर से हम लोग को चल चल के जाना पड़ेगा। एंड क्योंकि गाइस इधर सामने है ना, सामने गाइस एक मतलब बैरिकेड दिख रखा है, उससे आगे आप लोग बाइक्स वगैरह लेके नहीं जा सकते, क्योंकि गाइस रोड पूरा एकदम पूरा नदी हो चुका है, मतलब रोड में पूरा एकदम पानी आ चुका है। एंड ये वो एरिया आप लोग जैसे कि देख सकते इधर मतलब पूरा एकदम बैरिकेड दे के रखा है एंड आगे आप लोगों को चल चल के जाना पड़ेगा। एंड देख सकते हो कितना लोग भाई मतलब इधर फ्लड देखने के लिए आया, समझ रहे हो गाइस, इधर फ्लड देखने के लिए इस साइड देखोगे लेफ्ट साइड में बहुत ज़्यादा। एंड थैंक्स टू आवर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो गाइस, इन लोगों ने इतना ज़्यादा रिलीफ करने के लिए इतना मतलब रिलीफ देने के लिए इतना ज़्यादा फंड इशू किया एंड उसके बाद इतना ज़्यादा मदद कर रहे हैं लोगों को, हेलीकॉप्टर से गाइस मतलब सबको खाना वगैरह दे रहा है। सो इधर देख सकते हो एक मंदिर है, इसमें गाइस सब लोग अभी रह रहे हैं फिलहाल के लिए। एंड आगे चल के और भी बुरा है गाइस, ठीक है। एंड इस साइड का जो पानी है ना वो गाइस बहुत ज़्यादा है। एंड आप लोगों को पता है कि नहीं, असम में सबसे ज़्यादा गाइस मतलब इस बार बाढ़ आया, ठीक है। एंड इधर का नज़ारा आप लोग देख सकते हो, ये लोग मतलब नाव लेके बैठे ताकि मतलब अगर कोई आए एंड कोई रिलीफ देना चाहे तो ये लोग नाव से लेके जा सके। एंड इधर देख सकते हो गाइस बच्चे वगैरह इधर है एंड यही है गाइस सीन, मतलब असम का यही सीन चल रहा है अभी के लिए। सो मतलब आप लोग भी रिलीफ देना चाहते हो आप लोग भी रिलीफ दे सकते हो। एंड आप लोग मैं UPI ID दे दूंगा, अगर आप लोग देना चाहते हो तो कोई भी देना चाहते हो आप लोग दे सकते हो। मैं जो फ्लड रिलीफ करते उन लोग कॉन्टैक्ट करके मैं उन लोगों को सबमिट कर दूंगा। एंड यही है फिलहाल असम का सीन, आप प्रे फॉर असम गाइस। आई होप कि आप लोग को व्लॉग अच्छा लगा एंड आई डोंट नो गाइस मैं आप लोग को अच्छे से मतलब बोल पाया कि नहीं, बट जितना हो पाया असम का मैं आप लोगों को दिखा दिया। सो गाइस प्लीज़ प्रे फॉर असम, प्रे फॉर अस एंड बहुत ज़्यादा डेंजरस सीन तो मैंने अभी तक नहीं दिखा आप लोगों को। सो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टाटा, प्रे फॉर असम।